राजधानी रांची के हाई सिक्योरिटी जोन मोरहाबादी में गैंगवार व कालू लामा की हत्या सहित 9 मामलों में वांछित लवकुश शर्मा गैंग के शूटर सोनू शर्मा और अमित शर्मा उर्फ चमहा को पुलिस ने चतरा से गिरफ्तार कर लिया। वो मूल रूप से बिहार के गया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला है। रांची में बरियातू थाना क्षेत्र के कुसुम विहार रोड नंबर 7 में रहता था। 27 जनवरी को मोरहाबादी में दिन दहाड़े कालू लामा की हत्या के बाद सोनू शर्मा भागकर पटना चला गया था। वहां एक दो दिन रुकने के बाद लगातार ठिकाने बदलता रहा। पुलिस से बचने के लिए 8 माह में सोनू शर्मा प्रत्येक दिन ठिकाना बदलता रहा। कभी बिहार के गया स्थित अपने पैतृक गांव तो कभी कहीं और छिप जाता था। रांची पुलिस की टीम लगातार उसका पीछा करते रही, जबकि वो बिहार के अलावा झारखंड और उत्तर प्रदेश में इधर उधर भागता रहा। शनिवार को रांची पुलिस को सूचना मिली कि सोनू शर्मा अपने दोस्तों के साथ शराब पीने के लिए चतरा आने वाला है। सूचना पर पुलिस की SIT चतरा पहुंची। चतरा पुलिस की मदद से टीम ने जाल बिछाया और अंतर सोनू पकड़ा गया। उसके साथ 5 अन्य युवक भी पकड़े गए। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है। रविवार को SSP किशोर कौशल ने खुलासा करते हुए कहा कि आपसी वर्चस्व में सोनू शर्मा ने अपने साथियों के साथ कालू लामा की हत्या कर दी। सोनू शर्मा के खिलाफ रांची के 7 थानों में हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी, मारपीट सहित 9 संगीन मामले दर्ज है। प्रारंभिक छानबीन में सोनू के अलावा अन्य युवकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। SSP के अनुसार बिहार में शराबबंदी है, ऐसे में सोनू शराब पीने और मौज मस्ती करने के लिए चतरा पहुंचा था। यहां से कहीं और भागने का प्लान था, हालांकि इससे पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने सोनू के पास से बरियातू थाना क्षेत्र के एक व्यवसायी से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने में प्रयुक्त 2 मोबाइल व 1 डोंगल जब्त किया है। पूछताछ में सोनू ने बताया कि 15 दिन पहले इंटरनेट व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए लवकुश शर्मा से बातचीत हुई थी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।